हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइट जोन। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारी 240 बल्ब की एलईडी स्ट्रिप लाइट। आप देख सकते हो, ये हमारी 240 बल्ब की स्ट्रिप लाइट है जो आज की तारीख में हाईएस्ट सेलिंग स्ट्रिप लाइट है। स्ट्रिप लाइट में इतनी लंबी रेंज होने के बावजूद भी मिनिमम से मिनिमम बल्ब की या हाईएस्ट से हाईएस्ट बल्ब की स्ट्रिप लाइट अवेलेबल है। नॉर्मल रेंज से लेके हायर रेंज की प्राइस वाली स्ट्रिप लाइट अवेलेबल है। उसके बाद भी ये जो 240 बल्ब की स्ट्रिप लाइट है सबसे ज्यादा सेलिंग है, सबसे ज्यादा ये स्ट्रिप लाइट चलती है। ये स्ट्रिप लाइट का यूज कहाँ कहाँ आप कर सकते हो, कहाँ कहाँ लोग करते हो, आज सारी मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। ये स्ट्रिप लाइट अगर आप परचेस करते हो तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या रेंज से क्या रेंज तक आपको ये स्ट्रिप लाइट मिल सकती है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप भी अच्छे से परचेस कर सकते हो और अपने घर ऑफिस शोरूम को अच्छे से लाइटअप कर सकते हो। तो लेट स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो गाइस, ये हमारी आज की स्ट्रिप लाइट जो 240 बल्ब स्ट्रिप लाइट बोला जाता है, जिसके अंदर एक मीटर स्ट्रिप के अंदर आपको 240 बल्ब मिलते हैं। तो अच्छा खासा ब्राइटनेस और अच्छी खासी आपको लाइट देखने मिलती है स्ट्रिप लाइट के अंदर, तो आप देख सकते हो। तो इसके बाद गाइस हम जानते हैं ये स्ट्रिप लाइट के कलर। ये स्ट्रिप लाइट में आपको काफी कलर ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। जो इसके बेसिक कलर है व्हाइट, वार्म व्हाइट, नेचुरल व्हाइट, ये इसके काफी रनिंग कलर है। उसके अंदर अगर आपको डार्क कलर की रिक्वायरमेंट है तो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट, स्काई ब्लू सारे कलर इसमें अवेलेबल है। आप चेक कर सकते हो आपके एरिया में अवेलेबल है कि नहीं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। बट जनरली इसके जो कलर्स चलते हैं व्हाइट, वार्म व्हाइट और नेचुरल व्हाइट, उसके अंदर सबसे डिमांड वाले कलर है इसके वार्म व्हाइट और नेचुरल व्हाइट। वार्म व्हाइट की इफेक्ट ये लाइट के अंदर काफी अच्छी आती है। वार्म व्हाइट का जो लाइट्स होती है जनरली इंटीरियर के लिए ज्यादा प्रीफर की जाती है, तो वार्म व्हाइट लाइट का अगर यूज करना चाहते हो तो जरूर कीजिए, क्योंकि वार्म व्हाइट की इफेक्ट काफी अच्छी आती है। बाकी सारे कलर्स मार्केट में अवेलेबल है। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसकी कनेक्शन की। तो ये 12 वॉट डीसी है और हमारे घर में जो लाइन चलती है वो एसी पे चलती है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस तरह का कन्वर्टर लगेगा, इस तरह का एडेप्टर लगेगा। तो ये एडेप्टर के साथ यूज करोगे तो ये लाइट जलेगी। अगर ये इसको डायरेक्ट अगर आप लगा देते हो तो ये लाइट उड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये चीज का ध्यान रखे, इस तरह का एडेप्टर का आपको यूज करना है। एडेप्टर का कनेक्शन देखना है तो आई बटन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो इसके अंदर आप जाके देख सकते हो कि इसको कनेक्शन कैसे करना है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसका वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप चेक कर सकते हो किस तरह से आपको कनेक्ट करना है। कनेक्शन काफी इजी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज गाइस, ये जो ड्राइवर्स है आपको जो एडेप्टर्स है आपको ब्रांड और नॉन ब्रांड दोनों में देखने मिल जाएंगे। दोनों में अच्छी खासी वारंटीज आती है, दोनों में अच्छे खासे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। बट अगर आप नॉन ब्रांड भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसमें भी अच्छी क्वालिटी आती है, अच्छी वारंटी आती है और अच्छी लाइफ आपको उसकी देखने ही मिलेगी। तो ब्रांड या नॉन ब्रांड कोई भी ले सकते हो। ब्रांड में थोड़ी प्राइसिंग आपको ज्यादा मिलेगी, इसलिए मैं आपको नॉन ब्रांड भी बोल रहा हूँ। तो आपके हिसाब से आप ले सकते हो, अगर आपका बजट है तो आप ब्रांड ले सकते हो, बजट नहीं है तो नॉन ब्रांड के लिए भी बेझिझक जा सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि ये जो स्ट्रिप लाइट हमारी 240 बल्ब की, ये इतनी हाईएस्ट सेलिंग क्यों है, क्यों इसकी इतनी डिमांड है और क्यों इतना लोग इसको परचेस करते हैं। तो ये जो स्ट्रिप लाइट का हाईएस्ट सेलिंग का रीजन यही है कि आज की तारीख में अगर आप कहीं पे भी देखोगे अपने आसपास में या आपका कहीं पे भी इंटीरियर जहां पे वर्क हो रहा है तो वहां पे आज की तारीख में एल्यूमिनियम प्रोफाइल लाइट का काफी ज्यादा वर्क हो चुका है, काफी ज्यादा यूज करते हैं आज की तारीख में। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं तो काफी अलग अलग डिजाइन क्रिएट करते हैं, चाहे घर हो, ऑफिस हो, शोरूम्स हो, शॉप हो, हर जगह पे प्रोफाइल लाइट का वर्क करते हैं। आप देख सकते हो काफी अच्छा लुक लगता है, काफी नयापन लगता है, काफी अच्छी लाइट मिलती है और काफी अच्छा शो मिलता है। तो इसीलिए एल्यूमिनियम प्रोफाइल का वर्क ज्यादा बढ़ने से ये स्ट्रिप लाइट की डिमांड ज्यादा हो चुकी है। ये स्ट्रिप लाइट जनरली सबसे ज्यादा यूज होने वाली स्ट्रिप लाइट है प्रोफाइल लाइट के अंदर। मैं ऐसा नहीं कहता बाकी स्ट्रिप लाइट यूज नहीं होती, काफी लोग अलग अलग स्ट्रिप लाइट यूज करते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर, लेकिन जो हाईएस्ट स्ट्रिप लाइट का यूज होता है प्रोफाइल के अंदर वो मैक्सिमम लोग 240 बल्ब की प्रीफर करते हैं। 240 बल्ब की जो लाइट्स है काफी अच्छा इक्वल लुक आता है, काफी अच्छा कनेक्टिंग लुक आता है और इसके अंदर मिनिमम ब्राइट से लेकर मैक्सिमम ब्राइटनेस के ऑप्शंस अवेलेबल है। स्ट्रिप लाइट परचेस करने जा रहे हो तो दो चीज आपको काफी इंपॉर्टेंटली देखनी है। पहले तो इसकी आपको क्वालिटी अच्छी लेनी है। क्वालिटी का मतलब यही है कि ये जो पट्टी आती है जिसको स्ट्रिप बोलते हैं, तो ये स्ट्रिप जो है इसमें थोड़ी क्वालिटी आपको अच्छी लेनी है। इसमें लो से लो क्वालिटी अवेलेबल है मार्केट में और अच्छे से अच्छी क्वालिटी अवेलेबल है। ज्यादा अच्छी नहीं ले रहे हो, मीडियम क्वालिटी ले रहे हो तो भी लीजिए, बट जो सबसे लास्ट क्वालिटी होती है जो इसमें आपको देखने मिलेगी कि पट्टी काफी एकदम सॉफ्ट होती है और आप जैसे अगर देख रहे हो तो आसानी से बैंड हो जाती है। थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ये चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो होता है इसके साथ लगा हुआ ग्लू, तो ये जो ग्लू है जनरली आपने बहुत सारी स्ट्रिप लाइट ऐसी देखी होगी कि अगर आप पैकेट से निकालते हो तो ही आपको पता चलेगा कहीं कहीं से ऑलरेडी ग्लू निकल चुका है। तो उस तरह का जो
स्ट्रिप लाइट होती है वो काफी लो क्वालिटी की होती है, काफी सस्ती होती है और उसमें ब्राइटनेस भी उतना अच्छा आपको देखने मिलता नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखें, क्वालिटी अच्छी लीजिए तो आपको टिकेगी अच्छी, और क्वालिटी अच्छी रहेगी तो ब्राइटनेस अच्छी मिलेगी। लो क्वालिटी के अंदर आपको कभी भी ब्राइटनेस अच्छा नहीं मिलेगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंस होता है इसके अंदर, वोट्स, कितने वोट्स की आप स्ट्रिप लाइट ले रहे हो, कितनी लुमेंस की स्ट्रिप लाइट ले रहे हो, कितनी ब्राइट स्ट्रिप लाइट ले रहे हो। ब्राइटनेस की इम्पोर्टेंस इसके अंदर यही होती है कि जनरली ये लगती है एल्यूमिनियम प्रोफाइल के अंदर। अभी मैं आपको एक टुकड़ा एल्यूमिनियम प्रोफाइल का दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो काफी लंबी लेंथ आती है, मैं आपको एक छोटा सा पीस दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो यह एल्यूमिनियम प्रोफाइल। इसके ऊपर जो होता है ये जो है डिफ्यूजर है, आप देख सकते हो ये ऐसे निकलता है, तो ये डिफ्यूजर है और इसके अंदर ये स्ट्रिप लाइट लगती है। ये स्ट्रिप लाइट आपको इसके अंदर लग जाती है और ये डिफ्यूजर इसके ऊपर लगता है। तो अगर आपकी स्ट्रिप लाइट में पहले से ही वोट्स कम है, लुमेंस कम है, लाइट कम है, तो डिफ्यूजर लगने के बाद और भी आपको लाइट कम देखने मिलेगी। तो हो सके उतनी अच्छी स्ट्रिप लाइट लीजिए, अच्छे वोट्स की लीजिए, अच्छे लुमेंस की लीजिए। लुमेंस अच्छा रहेगा तो ब्राइटनेस काफी अच्छा मिलेगा। तो ये दो चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली है, क्योंकि कभी कभी लोग प्रोफाइल लाइट लगा देते हैं, सस्ती वाली स्ट्रिप लाइट लगा लेते हैं, लेकिन वो लुक नहीं आता जितना लुक मिलना चाहिए, जितनी ब्राइटनेस मिलनी चाहिए और जिस हिसाब से प्रोफाइल का जो लुक आता है वो मिलना चाहिए। गाइस अब हम बात करते हैं इसके अंदर ब्रांड और नॉन ब्रांड की। अभी जैसे स्ट्रिप लाइट की अगर मैं बात करूं, मैंने काफी अपने वीडियो में कहा है कि अगर स्ट्रिप लाइट की अगर आप रेंज देखने जाओगे तो आपको ब्रांड से ज्यादा आपको नॉन ब्रांड में ऑप्शन देखने मिलेंगे। नॉन ब्रांड में आपको ऑप्शन ज्यादा देखने मिलेंगे, वोट्स वाइज काफी ऑप्शन देखने मिलेंगे, कलर ऑप्शन ज्यादा देखने मिलेंगे और जो क्वालिटी होती है वो भी उतनी बुरी नहीं होती है कि मैं आपको ना बोलूं कि आप नॉन ब्रांड मत लीजिए। नॉन ब्रांड में भी काफी अच्छी ऑप्शंस और काफी अच्छी क्वालिटी आती है जो काफी लंबे टाइम तक टिकती है, बट जो ब्रांड होती है उसमें थोड़ी बहुत क्वालिटी बेटर होती है बट प्राइस डबल के आसपास होती है। तो वो चीज का ध्यान रखिए, आप कोई भी ले सकते हो ब्रांड या नॉन ब्रांड जैसे आपको लेना है, बट नॉन ब्रांड में भी काफी अच्छे ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे ब्रांड के कंपैरिजन में। ऑलवेज आपको स्ट्रीट लाइट में नॉन ब्रांड में ऑप्शन ज्यादा देखने मिल जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। प्राइसिंग जैसे मैंने अभी तीन पार्ट में डिवाइड किया है, इसके जो स्ट्रिप लाइट है मिनिमम रेंज से लेके हाईएस्ट रेंज तक के अवेलेबल है। तो अगर मिनिमम रेंज की मैं बात करूं तो 70 रुपीज से लेके 100 रुपीज तक की एक रेंज की ऑप्शन अवेलेबल है जो काफी सस्ती लाइट्स आती है। उसके अंदर जो क्वालिटी होती है उतनी प्रॉपर नहीं होती है और उसके अंदर ग्लू भी इतना अच्छा नहीं आता है। क्वालिटी और ग्लू प्रॉपर नहीं होने की वजह से उसके अंदर आपको ज्यादा हाईएस्ट वोट नहीं मिलेगे, थोड़े कम वोट मिलेंगे, प्राइस के हिसाब से उसमें उतनी ब्राइटनेस मिलेगी, तो ब्राइटनेस काफी कम मिलती है। तो ये चीज का ध्यान रखें, प्रोफाइल लाइट में लगाओगे तो ब्राइटनेस ऑलरेडी कम हो जाता है, तो और भी अगर आप ब्राइटनेस कम लोगे तो प्रोफाइल लाइट का लुक अच्छा नहीं आएगा। तो हो सके उससे अच्छी क्वालिटी लीजिए, अच्छी ब्राइटनेस वाली लीजिए। तो ये जो रेंज है इसको मत लीजिए, जल्दी इसमें गारंटी वारंटी भी नहीं आती है तो कुछ बोल नहीं सकते कब तक टिकेगी। अगर आप ज्यादा स्ट्रिप लाइट ले रहे हो तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी के लीजिए, इससे हायर रेंज के लीजिए। तो ये जो रेंज मैंने बताई है एकदम नॉर्मल रेंज है। अगर आपको डेकोरेशन पर्पस के लिए चाहिए, एक दो दिन के लिए चाहिए, कुछ दिन के लिए चाहिए, तो आप ये रेंज प्रीफर कर सकते हो। इसके बाद की जो रेंज है 150 के आसपास वाली, मतलब 130 से लेकर 175 तक की जो रेंज आती है, वो जो रेंज आती है थोड़ी मीडियम रेंज है, जिसके अंदर आपको क्वालिटी भी अच्छी देखने मिलती है, जिसके अंदर आपको वोट्स के ऑप्शन भी काफी मिल जाते हैं। 40 वोट से लेकर 75 तक के वोट आपको देखने मिल जाते हैं। तो ये जो ब्राइटनेस है लुमेंस इसके अंदर अच्छा मिलता है, काफी अच्छा ब्राइटनेस आपको देती है और जो स्ट्रिप की क्वालिटी वो भी अच्छी होती है। इसके अंदर साल दो साल की वारंटी वाली भी मिल जाएगी और काफी अच्छी टिकती है ये, इसकी लाइफ काफी अच्छी होती है। और तो ये चीज का ध्यान रखें, मीडियम क्वालिटी इसकी ये रेंज में अवेलेबल है 150 के आसपास। उसके बाद इसकी हायर रेंज अवेलेबल है, हायर रेंज आपको ज्यादा करके ब्रांड में ऑप्शन देखने मिल जाएंगे जो 250 से लेकर 350 तक के ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो ये आपको फिलिप्स की मैं दिखा रहा हूँ, फिलिप्स की आपको अप्रोक्सीमेट आपको 300 रुपीज पर मीटर के आसपास की कॉस्टिंग देनी पड़ती है। उसके बाद जो विप्रो की है, विप्रो के अंदर तीन ऑप्शन अवेलेबल है, 50 वोट्स वाली चाहिए, 70 वोट्स वाली चाहिए, 80 वोट्स वाली चाहिए, जितनी भी हायर वोट की आपको रिक्वायरमेंट है उतनी आप ले सकते हो। इसके बाद कुछ कुछ ब्रांड में इससे ज्यादा वोट भी अवेलेबल है, जिसमें और भी रोशनी आपको अच्छी मिलेगी। तो आप देख सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में जस्ट फॉर द शो के लिए लगा रहे हो, कव लाइटिंग में लगा रहे हो, या बेड साइड में लगा रहे हो, टीवी यूनिट के आसपास लगा रहे हो, एंट्रेंस पे खाली हाईलाइट के लिए लगा रहे हो, तो आप ये जो मीडियम रेंज है आसानी से प्रीफर कर सकते हो। काफी अच्छा ऑप्शन है, लाइट काफी अच्छी आती है और लुक भी काफी अच्छा आता है, वहां पे ज्यादा ब्राइटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है।
पर अगर आप अपनी मेन सेलिंग में लगा रहे हो जहां पे आपको ब्राइटनेस ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ऑफिस में लगा रहे हो, शोरूम्स में लगा रहे हो, शॉप्स में लगा रहे हो कि रात के टाइम पे अच्छा अट्रैक्टिव लुक मिले, अच्छी ब्राइटनेस मिले, अच्छा डिजाइन दिखे, तो उसके अंदर आप थोड़े हायर वोट के लिए जा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया 60 वोट, 70 वोट या 90 वोट तक के भी ऑप्शन ले सकते हो, थोड़े महंगे पड़ेंगे, बट आपने जो क्रिएट किया है, जो डिजाइन बना रहे हो, उसका एक्चुअल लुक आपको देखने मिलेगा। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप परचेस करते हो तो आपको जो रिक्वायरमेंट है वो लाइट्स मिलेगी, आपका नुकसान नहीं होगा, तो आप अच्छे से लाइटिंग कर पाओगे। फिर काफी लोग को मैंने देखा है स्ट्रिप लाइट लगाते हैं, लाइट लगाने के बाद पूछते हैं कि सर उतनी अच्छी लाइट नहीं मिल रही है, ब्राइटनेस नहीं मिल रही है, वो लाइट लगाने के बावजूद भी हमको और लाइट लगानी पड़ रही है, जबकि हमारा पर्पस था कि वो लाइट अगर चालू हो तो और कोई लाइट चालू करने की जरूरत नहीं पड़े। तो अपने पर्पस के हिसाब से लाइट चूज कीजिए, अच्छी लाइट की रेंज अवेलेबल है, कोई भी लाइट आप चूज कर सकते हो। तो ये थी गाइस आज की लाइट की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। कहीं पे कोई भी डाउट है तो मेल या कमेंट मुझे कर सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो चैनल को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल में मिलती रहेगी। तो कुछ रहेगा इस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।